प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे का पाठ 11 साहसी दीपा का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ साहसी दीपा। माधोपुर गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम दीपा था। वह 12 साल की थी। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे तथा माँ घर में बीमार रहती थी, इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी करना पड़ता था। वह बहुत बहादुर व होशियार लड़की थी। उसके घर के पास एक नदी बहती थी। वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी। उसे नदी में नहाना व तैरना बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चों, ये पाठ एक ऐसी लड़की का है जो बहादुर और होशियार थी। अब वो माधोपुर गांव की रहने वाली थी, उसका नाम दीपा था। उसकी उम्र 12 साल की थी तथा उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे और वह घर का सारा काम करती थी, क्योंकि उसकी मम्मी बीमार रहती थी तो इसलिए उसे सारा घर का काम करना पड़ता था। उसके घर के पास ही एक नदी थी जहां वो कपड़े धोने जाती थी और उसे तैरना व नहाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दीपा अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। वहां से थोड़ी दूरी पर रवि और हरीश नदी में नहा रहे थे। नहाते नहाते रवि नदी में डूबने लगा और हरीश उसे डूबने से बचाने की कोशिश करने लगा। हरीश चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। दीपा और उसकी सहेली ने हरीश के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। दीपा ज्यों ही उसे बचाने के लिए नदी में कूदने लगी, त्यों ही उसकी सहेली ने नदी में उसे कूदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मगरमच्छ रवि और हरीश की तरफ बढ़ रहा था। तो बच्चों, एक दिन वह नदी के किनारे कपड़े धो रही थी तो तभी उस नदी में दो बच्चे नहा रहे थे जिन बच्चों का नाम था रवि और हरीश। तो उनमें से नहाते नहाते क्या रवि डूबने लगा, पर उसे बचाने की हरीश कोशिश कर रहा था और साथ में आवाज़ें लगा रहा था, बचाओ बचाओ। जब दीपा ने उसकी आवाज़ें सुनी तो दीपा उसे बचाने के लिए नदी में कूदने लगी और जैसे ही वह कूदने लगी उसे उसकी सहेली ने मना कर दिया। दीपा ने अपनी सहेली की एक ना मानी। दीपा ने कहा, मैं इन्हें मगरमच्छ से जरूर बचाऊंगी। तुम गांव जाकर इनके घर खबर कर दो। यह कहकर दीपा ने नदी में छलांग लगा दी। उसने हिम्मत न छोड़ी और तेजी से तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। उधर मगरमच्छ भी शिकार को पाकर बहुत खुश था और उन्हें निगलने के लिए ललचा रहा था। तो बच्चों, जैसे ही वह नदी में कूदी और वह उनकी तरफ बढ़ी उन्हें बचाने के लिए, उसके सामने से ही मगरमच्छ आ रहा था उनको निगलने के लिए। हरीश भी मगरमच्छ को अपनी ओर आता देख घबरा गया। और फिर जब हरीश ने देखा कि मगरमच्छ उसकी तरफ दौड़ रहा है तो वो भी घबरा गया और हाँफने लगा। वह रवि को बचा नहीं पा रहा था। इतने में दीपा रवि और हरीश के पास पहुंच गई। उसने हरीश को हिम्मत बधाई और जल्दी तैरकर किनारे पर जाने को कहा। तो तभी दीपा उसके पास आई और इससे उन दोनों की हिम्मत और थोड़ी सी बढ़ गई और दीपा ने उसे कहा कि जल्दी से किनारे को चले जाओ। दीपा ने रवि को पकड़ा और बड़ी बहादुरी से उसे किनारे पर ले आई। हरीश भी किनारे पर पहुंच गया। बेचारा मगरमच्छ अपना मुंह सा लेकर रह गया। शिकार उसके चंगुल में नहीं फंसा। उसे आज खाली हाथ लौटना पड़ा और उसने उस हरीश को लेकर वह किनारे पे आ गई और जिसके कारण उसकी जान बच गई और मगरमच्छ उसे खाने से रह गया।
इतने में दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को ले आई और फिर जितनी देर उसने उसको बचाया उतनी ही देर में दीपा जो उसकी सहेली थी वो उसके माँ बाप को लेकर आ गई। अपने बच्चों को जीवित देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने दीपा का धन्यवाद दिया। गांव के सभी लोगों ने दीपा के साहस की सराहना की। दीपा को उसकी इस बहादुरी के लिए 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार उसने उनकी जान बचाई। इतने में जब उसके माँ बाप आ गए उन्होंने देखा भी हमारा बच्चा जिंदा है तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उसका धन्यवाद दिया और उसको इसकी बहादुरी के लिए 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार भी दिया गया। तो ये था हमारा पाठ साहसी दीपा। तो मिलते हैं बच्चों अगले पाठ के साथ, तब तक धन्यवाद।